आपने पनीर बनाने के अलग अलग तरीके देखे होंगे, लेकिन ऐसा पनीर की रेसिपी जो 10 मिनट में बन के तैयार हो जाए और रेस्टोरेंट ढाबों से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हो, आज का तरीका देखकर आपका दिल और मन दोनों खुश हो जाएगा। राधे राधे, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। वेलकम टू माई कुकिंग वीडियो। आज मेरे किचन में बन रहा है पनीर की सब्जी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबे स्टाइल, आप जो भी समझिए। और ये पनीर की सब्जी बनेगी किचन में अवेलेबल बेसिक मसालों से। आपको इसके लिए कुछ भी अलग से लेना नहीं है। बिना काजू, बिना मावा, बिना पोस्ते के दाने के बनाऊंगी सिंपल मेथड से। रेसिपी देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सुपर टेस्टी इंस्टेंट पनीर मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है लगभग 200 ग्राम तक पनीर। तो पनीर जब भी लीजिएगा आप, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। यहाँ मैंने लिया है सीजनल मटर, जो वजन में लगभग 200 ग्राम ये भी है। आप फ्रोजन वाला भी मटर का यूज कर सकते हो। रिच फ्लेवर्ड ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तक साबुत धनिया, 1 चम्मच तक जीरा, जिसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ मेजरमेंट आपको दिखाने के लिए। 1 बड़ी इलायची, जावित्री का छोटा टुकड़ा, दालचीनी, 2 छोटी इलायची और छबीला लिया है। आप जायफल भी ले सकते हो। 2-3 लौंग, आधी चम्मच तक शाहजीरा और यहाँ मैंने लिया है लहसुन की कलियाँ, जो 10 से 12 कलियाँ हैं। इन मसालों में आपको जो मसाले पसंद हैं आप और मसालों को ऐड कर सकते हो, और जो नहीं पसंद है उनको स्किप भी कर सकते हो। अब मैंने लिया है यहाँ 6 से 7 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने काट लिया है और इन्हीं की वजह से हमारी ग्रेवी का बेस बहुत ही अच्छा तरीके से बनेगा, क्योंकि हम काजू और बिना क्रीम का बना रहे हैं। यहाँ मैंने लिया है हरे धनिया की पत्तियों के डंठल को, आपके पास हो तो आप डालिए वरना स्किप भी कर दीजिए। पनीर मसाला ले रही हूँ और यहाँ मैंने लिया है 6 लाल टमाटर। चैनल पर नया है तो यहाँ से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऐसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऐसे मुझे फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले गैस जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे, ग्रेवी के लिए प्री प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तक मस्टर्ड ऑयल, आप देसी घी में भी बना सकते हो या बटर में भी बना सकते हो। तो यहाँ जो खड़े मसाले थे उनको मैं 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लूँगी, इससे ना ग्रेवी में बहुत ही अच्छा एक स्वाद आ जाएगा और एक खुशबू भी आएगी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से 1-2 मिनट भूनने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज को हमको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ नमक, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और जो हरे धनिया के डंठल थे ना, उसको भी डालकर इसको भी हल्का सा सॉटी कर लेंगे। सारे मसालों को मैंने 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लिया है। अब इसमें मैं 1 से 2 चम्मच तक पानी डालूंगी और ढक्कन लगा के ढक दूंगी, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 मिनट के बाद जब ढक्कन उतार के देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया और इसमें बहुत ही अच्छी से खुशबू भी आने लगी है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको 1 मिनट तक ठंडा करेंगे। देखिए, प्याज के टुकड़े सॉफ्ट होकर अलग हो रहे हैं, बिल्कुल हमको ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब इसको मिक्सर जार में डालकर इसका एक फाइन ग्रेवी रेडी करेंगे। इन मसालों में मैंने अभी टमाटर को ऐड नहीं किया है, उसको मैं बाद में ग्रेवी में यूज करूँगी, और क्यों नहीं डाला है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ग्रेवी को मैं जा रही हूँ पीसने। अब मैं गैस जलाकर दूसरी कढ़ाई रख दूंगी और इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ, तो यहाँ मैं 2 से 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तेल बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। मैं तो हूँ प्रयागराज से। प्रयागराज से कौन कौन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग ये मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मुझे पता चलेगा कि ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। ग्रेवी में स्वादानुसार नमक डालेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। तो यहाँ मैं 1 चम्मच तक हल्दी डाल दे रही हूँ और मसालों को अच्छी तरीके से अब भूनेंगे तेल छोड़ने तक। ढक्कन लगाकर ढक दिया है क्योंकि मसाले उछल कर बाहर आने लगे हैं। तो यहाँ मैं टमाटर के स्लाइसेस काट करके उसकी एक प्यूरी बनाकर रेडी कर ली हूँ। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं टमाटर की प्यूरी को भी ग्रेवी में डाल दूँगी।
तीन बड़े चम्मच पनीर के मसाले को मैंने एक बाउल में पानी में घोल लिया है और ग्रेवी में डाल दिया है। सूखा अगर डालेंगे तो लम्स बनने का डर रहेगा। तो अब मसालों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से लो मीडियम पर भूनेंगे तेल छोड़ने तक। ढक्कन लगाकर ढक दूंगी ताकि मसालों की खुशबू बाहर नहीं जाए, और एक से दो मिनट में बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई में मसाला जलने ना पाए। अगर जल जाएगा तो उसमें जलने वाला फ्लेवर आ जाएगा। ना क्रीम ना काजू का यूज कर रही हूँ, तो इसलिए अब हम यहाँ डालेंगे एक कटोरी फुल घर का जो मलाई होता है, फ्रेश मलाई दूध से जो निकलता है, तो एक कटोरी उसको डाल दूँगी। इससे रिच फ्लेवर आ जाएगा। और मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो ये मसाला भूनने में मुझे 3 से 4 मिनट लग गए बिल्कुल लो फ्लेम पर, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ गरम पानी ग्रेवी में। गरम पानी का ही यूज करना है, इससे जो ग्रेवी में स्मोकी सा जो हमारा फ्लेवर है ना, जिसको हमने इतने देर से भूनकर अच्छा सा फ्लेवर ले आया, एक सौंधीपन से जो खुशबू लाई, तो वो बरकरार रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस मेथड से आप लोग एक बार ज़रूर पनीर की ये सब्ज़ी बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये मेथड की पनीर की सब्ज़ी कैसी लगी। तो ग्रेवी का बेस आप पतला गाढ़ा जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो यहाँ जो मटर था, मैं मटर को डालकर ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। अच्छा, पनीर अभी मैंने नहीं डाला है, ना पनीर को मैंने फ्राई किया है, तो बिना फ्राई करके ही मैं पनीर को डालूंगी, पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो 1 से 2 मिनट के बाद मटर के दाने बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो गलाना नहीं है मटर को, सिर्फ पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कटे हुए पनीर के स्लाइसेस को ग्रेवी में डालकर इसको भी 1 से 2 मिनट तक ही पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, सिर्फ इसमें सारे ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए, बस इतना ही इसको पकाना है। तो 2 से 3 मिनट तक पकने के बाद लीजिए, हमारा मटर पनीर का सब्जी बिल्कुल ही तैयार है। अब इसमें कटे हरे धनिया की पत्ती को डालकर 1 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है ताकि कटे हरे धनिया की खुशबू और फ्लेवर सारे पनीर की सब्जी में आ जाए। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप कसूरी मेथी भी डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखा आपने, बिना किसी क्रीम काजू मावा का यूज किए हमने किचन के बेसिक सामानों से ही कितना सुपर टेस्टी ये पनीर मटर की सब्जी बनाकर रेडी किया। तो चलिए इसकी अब प्लेटिंग भी किया जाए। तो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस और रिच फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं 1 से 2 चम्मच तक देसी घी का यूज कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्ट आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बेहतरीन कलर कंसिस्टेंसी देखने से ही लग रहा है कितना यमी ये बनकर तैयार हुआ है, और पूरा किचन मेरा इसकी खुशबू और टेस्ट से महक उठा है। इसे आप अपने पसंदीदा नान रोटी पूड़ी पराठा रोटी या चावल के साथ खाइए, ये हर चीज़ के साथ सुपर कॉम्बिनेशन देता है। तो कब बना रहे हो आप ये 10 मिनट में झटपट से बन जाने वाली इजी वे और कम सामानों में रेस्टोरेंट होटल ढाबा से भी सुपर टेस्टी मटर पनीर की सब्जी? दोस्तों, इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये मटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी थी। तो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। जिनका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगेगा उनके कमेंट को मैं पिन भी करूँगी। चलिए मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।